हेलो दोस्तों, टीवी सीरियल पिशाचिनी में पवित्रा को पता चल गई है रानी की सारी सच्चाई कि पिशाचिनी और कोई नहीं है, रानी ही है। दरअसल इस बार पवित्रा ने ठान रखा था कि वो रानी की सच्चाई सबके घर वालों के सामने लेकर आएगी और ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, जब दही हांडी का जल रानी के ऊपर गिरता है तभी रानी का पिशाचिनी रूप बाहर आ जाता है। लेकिन पिशाचिनी भी कुछ कम नहीं है कि जब पिशाचिनी का रूप बाहर आता है तब वो काल चक्र को चला देती है, जिसके कारण सभी घर वाले एक ही जगह खड़े रह जाते हैं और केवल पवित्रा ही पिशाचिनी को देख पाती है। तभी पवित्रा कहती है कि देखो, तुम्हारा असली चेहरा मैंने सभी घर वालों के सामने लेकर आ गई हूँ। बात पर पिशाचिनी हंसने लगती है और कहती है, जरा पीछे मुड़कर देखो। पवित्रा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है कि सभी घर वाले एक ही जगह पर खड़े रह गए हैं। वो सभी को उठाने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी अपनी जगह से नहीं हिल पाता। लेकिन पिशाचिनी इस बात को देखकर भी हैरान रहती है कि आखिरकार जब सभी घर वाले एक ही जगह स्टैचू हो चुके हैं तो पवित्रा पर इसका असर क्यों नहीं हुआ, और कहती है, कहीं तुम्हारे हाथ पर जो निशान है इसके कारण शायद तुम पर असर नहीं हुआ। तभी पवित्रा उसी हाथ से रानी का हाथ पकड़ लेती है और रानी को बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके बाद पिशाचिनी अपनी सारी सच्चाई पवित्रा को बताती है कि आखिरकार वो कैसे पिशाचिनी बनी। तो बताती है कि वो शुरू से ही लालची थी, उसका एक परिवार भी था जिसमें उसके सास ससुर और पति भी था। एक दिन हमारे घर पर कुछ मेहमान आए थे जो कि काफी पहने लेकर आए हुए थे। मैंने उनको जहर देकर मार दिया था, लेकिन इस बात में मेरे ससुराल वालों ने मेरा साथ नहीं दिया और मैंने उनको भी वहीं पर खत्म कर दिया। और कहती है, मेरा अंत तब हुआ जब एक राजा आया, उसको मैंने उसी तरह मारने की कोशिश की, लेकिन वो फल को पहचान गया और हाथापाई में उसने मुझे कुएं में धक्का दे दिया, जिसके कारण मेरी जान चली गई। उसके बाद वो पवित्रा को कहती है, अगर तुम्हें भी अपनी जान प्यारी है तो तुम यहाँ से चली जाओ। तभी पवित्रा उसको कहती है, तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। देखना ये होगा कि आखिरकार पवित्रा कैसे सभी घर वालों के सामने रानी का सच ला पाएगी, रोकी को रानी से शादी करने के लिए कैसे रोकेगी। देखना काफी दिलचस्प होगा। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।